गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ रमेश कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा. अपन जो आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आपका डीसी मशीन्स. तो डीसी मशीन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. तो जो आपका सिलेबस है उसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से रिलेटेड आपके चैप्टर दिए हुए हैं. तो कुछ चैप्टर हैं शुरू के वो आपके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं. तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपका डीसी मशीन है. तो डीसी मशीन में अपन डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे. तो उसमें बेसिकली आपकी जो डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन है वो पढ़ेंगे. इसके अलावा डीसी मशीन के टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे. और उनके लॉसेस क्या होते हैं वो पढ़ेंगे. इसके अलावा जो आपके इसमें लॉसेस हैं वो उसके बारे में पढ़ते हैं. तो आज अपन ओनली इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. तो बेसिकली आपका जो वर्किंग प्रिंसिपल है डीसी मशीन का वो ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है उसको डीसी मशीन के द्वारा कैसे काम में लिया जाए. तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि जब कोई करंट बहने वाली कोई कॉइल है उसको अपन किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक आपके फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से आपका जो मोटर होती है डीसी मोटर वो रोटेट होती है. यही कंसेप्ट आपके जो डीसी जनरेटर होता है उसमें काम में लिया जाता है. तो आपका जो डीसी मशीन होती है वो दो टाइप की होती हैं, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर. तो जो डीसी जनरेटर का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है आपका मैकेनिकल पावर को वो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करती है. तो यहाँ पे जो कोयल इस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, तो जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई कोयल घूमती है तो उसे हमेशा जो पावर या जो भी सिग्नल जनरेट होगा वो आपका हमेशा एसी सिग्नल जनरेट होता है. लेकिन उस एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है. इसलिए जो बेसिकली जो भी आपका वर्किंग होगी वो हमेशा एसी से रिलेटेड होगी. उसको अपन कम्यूटेटर की सहायता से डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं. इसलिए एसी और जो डीसी मोटर होती है वो भी एक दूसरे से रिलेटेड ही होती है. लेकिन जो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे वो डीसी मोटर ही अपन पढ़ेंगे. जबकि जो डीसी मोटर होती है वो क्या करती है, डीसी पावर टू मैकेनिकल पावर, यानी डीसी पावर को वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देती है. मोस्ट ऑफ द डीसी मशीन यानी जो लगभग डीसी मशीन होती है वो एसी मशीन जैसे ही होती हैं. उनमें जो भी आपकी करंट होती है वो हमेशा एसी वोल्टेज या एसी ही आपका जनरेट होता है. डीसी मशीन का जो आउटपुट होगा वो डीसी होगा, लेकिन उसके अंदर जो आपका सर्किट होता है जिसको अपन कम्यूटेटर बोलते हैं वो आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है. जो डीसी मोटर होती है उसकी जो स्पीड रेगुलेशन की जो कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है और एक अपन रेंज, एक लार्ज रेंज में उसकी स्पीड को अपन कंट्रोल कर सकते हैं. जो डीसी मशीन की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, आपकी माइल्स होती हैं या माइंस में डीसी मशीन जनरली काम में ली जाती है. जो बेसिकली इसमें प्रिंसिपल या जो रूल काम में लिया जाता है वो आपका
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का कंसेप्ट काम में लिया जाता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें करंट कोई करंट बहने वाली कोई कॉइल रखे और दोनों की जो दिशा है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो दोनों जो क्वांटिटी है आपका मैग्नेटिक फील्ड और आपकी करंट उसके परपेंडिकुलर लगेगा, उसके लंबवत लगेगा। तो इस जो आपका कंसेप्ट है इसको फ्लेमिंग ने एक रूल दिया जिसको अपन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। तो इस नियम के अनुसार आपकी जो लेफ्ट हैंड की जो डायरेक्शन फिंगर होती है यानी जिस अंगुली से अपन दिशा बताते हैं उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, तथा जो धारा की दिशा बताने के लिए अपन जो मिडिल वाली फिंगर होती है, बीच वाली जो फिंगर होती है उसकी दिशा में रखें, तो आपका जो अंगूठा है वो किसको बताएगा, उसके ऊपर लगने वाले फोर्स को बताएगा। तो यहाँ पे देखिए जो नॉर्थ और साउथ पोल है ये आपके नॉर्थ और साउथ पोल है जिसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ है, हमेशा ये ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है। तो इस दिशा में अपन जो आपकी ये अंगुली है जिससे अपन दिशा बताते हैं, जिस किसी को इंडिकेट करते हैं उसको रखते हैं, तो ये आपकी कौन सी अंगुली आ गई, डायरेक्शनल फिंगर, यानी इससे अपन दिशा बताते हैं, जैसे किसी को रास्ता बताते हैं भाई इस रास्ते पर चले, तो उस समय आपकी ये अंगुली ही बाहर निकलती है, तो इसको अपन डायरेक्शनल फिंगर बोलते हैं। तो इसकी जो दिशा होगी वो किस दिशा में रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। देन आपका जो सेकेंड जो अंगुली है, जो मिडिल वाली अंगुली है, इसको अपन करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, तो ये आपकी मिडिल वाली अंगुली है। इधर क्यों रखी है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका एक वायर लगा हुआ है, तो वायर में करंट आपकी इस साइड जा रही है, तो जिस साइड करंट जा रही है उसकी दिशा में अपन आई को रखते हैं, तो ये आपकी आई की दिशा हो गई और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गई। अब इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो इन जो आपका अंगूठे की जो डायरेक्शन रहेगी उस दिशा में उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो ये आपका जो अंगूठा है वो ऊपर की साइड है, तो आपका फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की साइड। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, आपकी एक कॉइल होती है, अपन एक ही वायर का ओपन एग्जांपल लेके चलेंगे, तो एक कॉइल होती है यहाँ पे, ये आपकी एक कॉइल लगी हुई है जो अपन येलो कलर से बता रहा हूँ मैं, ये आपकी एक कॉइल है, ये आपकी एक कॉइल है यानी वायर है। तो वायर होता है इसको में से अपन करंट फ्लो करवाएंगे, ठीक है, करंट फ्लो करवाएंगे, और जो आपका नॉर्थ और एन और एस लिखा हुआ है ये क्या है, आपके दो मैग्नेटिक पोल्स है, यानी इनके बीच में क्या है, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो इसके बीच में अभी मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें से मैं कोई करंट फ्लो करवा रहा हूँ आई, ये आपकी करंट आई है, तो ये करंट इस फील्ड में से गुजरेगी तो क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इस तरीके से ऊपर की साइड फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की वजह से आपका जो ये कॉइल है वो
घूमेगी, थोड़ा सा उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, बलागुण, तो उसकी वजह से वो थोड़ी घूमेगी। और उसी समय जो ये एज है उसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जो दोनों एज है ये, उसके ऊपर आपका फोर्स लगता है और वो एक इसी एज पे इन दोनों एज पे लगेगा, यहाँ पे ऊपर की साइड लगेगा और इस एज पे नीचे की साइड लगेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वजह से ये जो कोयल है वो आपके घूम यहाँ से घूमने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से यहाँ अपन इसी जो वायर लगा रहे हैं, ऐसे अपन बहुत सारे वायर या बहुत सारी कोयल लगाएंगे तो जो ये पूरा का पूरा जो झुंड बनेगा वो घूमेगा। तो जो आपका पार्ट घूमता है उसको अपन रोटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोटर। और जो पार्ट आपका फिक्स रहता है, भार वाला पार्ट है वो आपका फिक्स रहता है तो उसको अपन स्टेटर बोलते हैं। जो पार्ट स्टेशनरी रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आपका जो मैग्नेटिक पोल बना रखे हैं उसके ऊपर सप्लाई देंगे, उसकी वजह से बनेगा। और जो आपका स्टेटर पार्ट है और जो रोटर पार्ट है उसके बीच में अपन एक यूनिफॉर्म एयर गैप रखते हैं। द रिलक्टेंस इज सेम अंडर द पोल फेसेस, जो आपका रिलक्टेंस होती है वो सभी पोल्स के पास में सेम होने चाहिए, अदरवाइज आपकी जो मोटर घूमती है उसमें दिक्कत आती है। आपकी जो भी कोयल है वो घूमेगी, तो घूमेगी तो उसमें से जो फ्लक्स, जो आपका एरिया कवर होता है वो अलग अलग कवर होता है। क्यों? क्योंकि आपका इस समय जो आपकी कोयल है वो आपकी जो N और S आपके पोल्स हैं उसके लाइन में बने हुए हैं, ठीक है। ये तो उससे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आपका बन रहा था, मैग्नेटिक फील्ड वो एक ही लाइन में होंगे तो इसमें से आपका फ्लक्स होगा वो बहुत ही कम होता है। अब जैसे इसकी पोजीशन जो आपके CD आती है उसकी इस फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाएगी तो आपका धीरे धीरे आपका एरिया चेंज होता है, तो उससे क्या होगा, इस कोइल में से जो पास होने वाला जो फ्लक्स है वो आपका चेंज होता है, ठीक है। तो जब आपका फ्लक्स चेंज होता है तो आपका एक नियम होता है, लेंज नियम, उन्होंने एक नियम दिया था कि जब भी किसी कोयल में फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अक्रॉस एक EMF जनरेट होता है और उसका मान ये होता है E=NdΦ/dt। तो ये ही काम आपका जनरेटर में होता है, क्योंकि उसके अंदर जैसे ही आपकी कोयल जो कोयल लगी होती है वो घूमेगी, घूमेगी तो क्या होगा, EMF बनाएगा और EMF का मान इससे दिया जाएगा। तो N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कोइल्स, आपकी जो कोइल की संख्या है वो आपकी अलग अलग चेंज हो जाएगी। तो व्हेन द जो आपका वोल्टेज जनरेट होता है वो हमेशा कौन सा जनरेट होगा, AC जनरेट होगा, तो उसी के करस्पोंडिंग आपका ये ग्राफ बनता है। क्योंकि आपका जो AB जो आपका सेगमेंट है वो पहले आपका जीरो पोजीशन पे था, फिर 90 पे जाएगा, उसके किसके रेस्पेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पे जाएगा, फिर 180 डिग्री पे जाएगा। तो ये आपका AB अब क्या हो गया, ओपोज में आ गया है, पहले वाले जो एरिया था या पहले वाले जो फोर्स लगा था उसके ओपोज में आ गया है, तो उसकी वजह से जो आपका वोल्टेज जनरेट होगा वो भी आपका ओपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक वोल्टेज जनरेट होगा उसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा,
तो इस टाइप से जो भी वोल्टेज बनता है वो आपका कौन सा होता है, एसी वोल्टेज। इसलिए जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसके लिए मैग्नेटिक का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये आपका एक लूप के लिए था। अब यदि लूप ज़्यादा हो तो आपका ये सम हो जाता है, तो इसको अपन टोटली जो इंड्यूस होता है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला है इंड्यूस का। तो यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो मेनली तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा है? द फ्लक्स इन द मशीन, जो फ्लक्स चेंज हो रही है कितने फास्टली चेंज हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फ्लक्स चेंज की होगा वो किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ रोटेशन, स्पीड पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो आपकी कंस्ट्रक्शन है मशीन उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपके तीन पॉइंट हैं जिस पे कोई भी आपकी मशीन होती है वो डिपेंड करती है। अब जो आपका अंदर जो वोल्टेज बनेगा वो आपका हमेशा एसी बनता है, तो उसको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपका एक सर्किट काम में लिया जाता है जिसको अपन बोलते हैं कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर होगा और ब्रश होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट आएगा वो किस टाइप का बन गया है, अब एसी टाइप का। एट द इंस्टेंट व्हेन द वोल्टेज इन द लूप इज जीरो, द कॉन्टेक्ट शॉर्ट सर्किट द टू सेगमेंट। एवरी टाइम द वोल्टेज ऑफ द लूप स्विच इज डायरेक्शन, द कॉन्टेक्ट आल्सो स्विचेज कनेक्शंस। तो जैसे जैसे ये घूमता है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो ब्रश लगे हुए हैं तो ये कोयल के साथ ही घूमते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी कोयल एक पोजिशन से यहाँ पे आती है तो ये आपकी पोजिशन चेंज कर देते हैं, जिससे आपका जो वोल्टेज मिलता आपको बाहर वो आपका डीसी ही मिलता है। इसलिए जो वर्किंग होती है एसी और डीसी की, या कंस्ट्रक्शन बात करें, वो दोनों की सेम होती है, बस इसको एसी से डीसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये आपका डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन है जो अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, अपन घरों में जो आपकी मशीन लगी हुई थी है उसमें उसी का ये एक पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए, बाहरी जो आपका सरफेस है, बाहरी सरफेस जिसको अपन योक बोलते हैं या फ्रेम बोलते हैं, ये जो आपकी इसको मैकेनिकली जो मोटर होते हैं मैकेनिकली सपोर्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा इसमें जो आपकी ये पोल्स लगे होते हैं, यहाँ पे ये पोल लगे हुए हैं, इसको भी ये फिक्स करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये यहाँ पे जो आपका ग्रीन कलर में बता रखा है ये आपका फिक्स एरिया है, इसके ऊपर अपन वाइंडिंग करते हैं। तो ये जो आपकी है, ये जो है आपकी लाइनिंग में, ये क्या है आपकी वाइंडिंग की हुई है। तो इस वाइंडिंग में आपकी करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होने की वजह से ये साउथ और नॉर्थ पोल बनता है, ठीक है। और ये नॉर्थ और साउथ पोल बनता है ये हमेशा अल्टरनेट होना चाहिए, पोल कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एस बना हुआ है तो इसके दोनों साइड, ये एस बना हुआ है तो इसके दोनों साइड नॉर्थ पोल होने चाहिए, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ठीक है। बीच में आपका ये रोटर पार्ट है जिसमें आर्मेचर लगा होता है और बीच में आपका शाफ्ट लगा होता है, ये रोटेटिंग पार्ट है जो अपन नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।